गरीब का बच्चा मेरा बच्चा है, मैं कह रहा हूं अगर पुराने शहर में पुलिस आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी ठहरेगा ऑल सिटी के गलियों में 11 बजे के बाद। देखता हूं किसकी हिम्मत है, किसको मारते हैं। गांजा कहां से आ रहा पुलिस को नहीं मालूम, शराब कहां से आ रही नहीं मालूम, सट्टा कहां हो रहा नहीं मालूम। कमिश्नर साहब की आंख बंद है, पुलिस बंद करना चाहती है तो एक दिन में बंद कर सकती है। अरे हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। मैं अपनी तरफ से एक PIL डालने वाला हूं हाई कोर्ट में। हम खामोश बैठने के लिए नहीं आए, कोई किसी की मजाल नहीं कि हमारी बात करो के। एंड सर आई हैव द फिगर, सर आई हैव द फिगर्स नाउ विद मी व्हिच आई विल से इज दैट कितने कत्ल हुए, कितने लोग मरे हैं रातों में। टास्क फोर्स क्रिमिनल्स को मारने के लिए थी, टास्क फोर्स मासूम सिटीजन्स को मारने के लिए नहीं है। और टास्क फोर्स का काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है, लेकिन टास्क फोर्स रात के अंधेरे में जा रही है मार रही है, जा रही है मार रही है। रात में पुलिस लोगों को सुलाने में इतना मसरूफ है, इतना मसरूफ है कि दिन में सो रही है और दिन में कत्ल हो रहे हैं। यही होगा, रात भर इतना थक जा रही बेचारी हमारी पुलिस, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ बोलने में खुद जाग रहे हैं और दिन में खुद सो रहे हैं और कत्ल दिन में हो रहे हैं। आप बताइए साहब, क्या मुझे हक नहीं है अपने घर के बाहर खड़े रहने का? क्या मैं अपने घर वालों की बीमारी पर जाकर दवा नहीं ला सकता? क्या मेरी जरूरत के लिए मैं नहीं जा सकता? क्या मैं IT के एम्प्लॉयज मासूम लोगों को भी मारा जा रहा है? और फिर पुलिस पहले फ्रेंडली थी, आई हैव द वीडियोज इन विच दे आर सेइंग नो मोर फ्रेंडली पुलिस, तो क्या जालिम पुलिस है, जुल्म करने वाली है? गांजा आ रहा है खामोश, ड्रग्स आ रहे हैं खामोश, जुआ हो रहा है खामोश, सट्टा चल रहा है खामोश। अरे हर पुलिस स्टेशन को मामूल है, मैं कह रहा हूं खुल के, किसी से डरता नहीं हूं, खुल के कह रहा हूं हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट वन ACP रैंक कॉल्स मी अप एंड ही सेज अकबर साहब आपके एरिया में पुलिस स्टेशन बनाने के लिए आप जरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करिए, मदद करिए। आई वॉज वेरी ओपन टू माई सेड माई कॉन्ट्रीब्यूट। क्या तुम्हारे पास जो मामूल आ रहा कम हो गया, खत्म हो गया, उससे नहीं बना सकते? घरा बनाने के बजाय पुलिस स्टेशन बनाओ। सर व्हाट इज दिस यू टेल मी सर? ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इन टू दिस। मासूम आदमी घर के बाहर खड़ा है मार रहे हैं। अरे आप क्रिमिनल्स को मारो, गांजा लाने वाले को मारो, आप वो सट्टा करने वाले को मारो, वो रेप करने वाले को मारो। काचूगुड़े पे रेप हुआ, कैसा रेप हुआ, बच्ची के साथ गांजा पिलाकर नशा करके उसका रेप किया गया। ये लॉ एंड ऑर्डर है। और सर ये यस्टरडे आई वेंट, मेरे घर से निकल के मैं 11 बजे आई हैड टू गो अटेंड वन मैरिज, आई वेंट सर 10:30 बजे ओल्ड सिटी में लाठियां बरसाते हैं पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस के सामने, नीलोफर होटल और वो शराब की दुकान पूरी जबरदस्त। मैं दावत से जाकर आने के बाद भी 12 बजे तक खुला है। कमिश्नर साहब की आंख बंद है या फिर कमिश्नर साहब के ऑफिस में, वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस में जो भी डिग्निटरीज बड़े आते हैं तो पूरी चाय स्नैक्स और बॉटल्स पूरे वहां से आ रहे बोल के बंद नहीं कर रहे उनको, और गरीब को बंद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। आपकी आंख के सामने दुकानें खुल रहे हैं और आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन पुराने शहर के गरीब लोग घर से बाहर निकलते हैं, IT में कॉल सेंटर से घर को वापिस आ रहे हैं तो मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये क्या जुल्म है बताइए आप? मैं आज ये बात कह रहा हूं और ये भी बात कह रहा हूं पैनल स्पीकर साहब, अगर हरीश राव साहब भी मेरे साथ आना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से एक PIL डालने वाला हूं हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ, उनकी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, अगर ये बंद नहीं होगा। इफ आई गो टू द कोर्ट इज गोइंग टू क्वेश्चन मी एंड आस्क मी, यू आर अ लेजिस्लेचर, यू आर अ फोर फ्लोर लीडर ऑफ योर पार्टी, यू आर अ सीनियर लेजिस्लेचर, व्हाई हैव यू नॉट स्पोकन इन द हाउस अबाउट दिस इश्यू? Why have you not brought to the notice of the government? So I have done my duty. If still the government is not going to act upon the atrocities, the negligence and the failure of the police and correct themselves, then I will be forced to go to the court. I'll be forced to go to the court. It's the failure. I'm going to go to the court. Aur ye Hyderabad ka naam, Hyderabad ka brand ko kharab kar rahe hain. और मारना पीटना क्या है साहब? आप एक खुसुरवार को फांसी पे लटकाइए, आप मार नहीं सकते, आप लाठी उठा के मार रहे हैं, आप
घर में घुस के मार रहे हैं आप। क्या आपके किसी एमएलए या किसी मिनिस्टर के बच्चे को अगर पुलिस की लाठी लगेगी तो क्या आप और हम खामोश बैठेंगे? वो गरीब के बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो गरीब का बच्चा मेरा बच्चा है, मैं कह रहा हूं अगर पुराने शहर में पुलिस आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी ठहरेगा ऑल सिटी के गलियों में 11 बजे के बाद। देखता हूं किसकी हिम्मत है, किसको मारते हैं। ठीक है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता उसकी जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, हुकूमत रहेगी, हुकूमत रहेगी। हम गांजा बंद करो कह रहे हैं, शराब बंद करो, मुजरिमीन को जेल में डालो हम कह रहे हैं, मासूमों को नहीं मारो, मासूमों को नहीं मारो, मासूम को मार रहे हैं। गांजा कहां से आ रहा पुलिस को नहीं मालूम, सब मालूम। शराब कहां से आ रही नहीं मालूम, सब मालूम। सट्टा कहां हो रहा नहीं मालूम, मालूम, सब मालूम। पुलिस बंद करना चाहती है तो एक दिन में बंद कर सकती है, नहीं बंद करना चाह रही इस वास्ते आ रहा है, ब्राउन शुगर व्हाइट शुगर सब आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देगी और मासूम लोगों को मारने पीटने से रोकेगी। सर दो ओवरऑल क्राइम रेट, अरे आप बैठ जाओ आप लोग बैठ जाइए, जरूरत नहीं है, बोलने दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग नहीं समझ रहे मेरी बात को। जीएचएमसी का इलेक्शन है, पुलिस की नाराजगी होगी, शहर में पहले आपकी तादाद कम है, मजबूर हो रहे हैं यहां से लेने के लिए, है तो कुछ नहीं है, अब उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं, करेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं। करेक्ट नहीं करना चाहते तो ना करें। लॉ एंड ऑर्डर के वक्त हुकूमत को पता चलेगा कि क्या होगा पता चलेगा। अरे जो नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी पे आवाज उठाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, हम खामोश बैठने के लिए नहीं आए हैं। आपके जैसा एक मर्तबा आए, दूसरी मर्तबा नहीं आए, तीसरी मर्तबा आए, चौथी मर्तबा नहीं है, 6 मर्तबा बार बार आया हूं, इस वजह से आया हूं कि बेबाक हूं और किसी से डरता नहीं हूं और अपनी बात को बयान करता हूं, कोई किसी की मजाल नहीं कि हमारी बात को रोके। ओवरऑल क्राइम रेट ऑफ इंक्रीज एक महीने में इन दिस मंथ सर, ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, 25 मर्डर्स हुए। मैं 10 साल का भी फिगर दिया, अंग्रेजी नहीं आती आपको तो मैं क्या करूं, अब आप समझ नहीं तो मैं क्या करूं, आपके मिनिस्टर्स भी नहीं समझते मेरे फिगर्स को, आप लोग भी नहीं समझ रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं।